किसी ने पूछा, डॉक्टर्स का दिल इतना मजबूत क्यों होता है? जवाब आया कि कमजोर दिल वाले तो डॉक्टर्स बन भी नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर्स बनना नहीं है आसान, इतना तो समझ लो तुम। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहते हैं इस दुनिया में तीन भगवान होते हैं, माँ जो जन्म देती है, बाप जो जीना सिखाता है, और तीसरा भगवान होता है डॉक्टर जो जान बचाता है। क्या है आप में वो जुनून, वो डेडिकेशन, खुद को आग में जलाने का जिगरा? क्योंकि दोस्त ये जर्नी आसान नहीं। अगर उस इंसान के दर्जे तक पहुंचना है जिसे सब भगवान मानते हैं, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और इतनी बेइंतहा करनी होगी कि दिन रात का फर्क भूल जाओ, इंस्टा फेसबुक दोस्तों की मस्ती सब भूल जाओ और जला दो खुद को इस आग में। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। ये 2-3 साल की बात नहीं है, ये जर्नी बहुत लंबी है। ये जर्नी बलिदान मांगती है, ये जर्नी समर्पण मांगती है। कैसे कर लेते हैं लोग इतना विश्वास डॉक्टर्स पर? अपनी, अपने परिवार की जान की जिम्मेदारी कैसे सौंप देते हैं एक डॉक्टर को? कहां से आता है इतना विश्वास? नॉलेज, ये उस डॉक्टर की तपस्या का नतीजा है, मेहनत का नतीजा है कि वो एक ऐसा इंसान बन पाता है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। समर्पण, जब आपके लिए एक इंसान की जान बचाना ही सब कुछ हो, ना दोस्तों की पार्टीज, ना बर्थडे सेलिब्रेशंस, कुछ भी मायने ना रखते हो, जब इमरजेंसी वर्ड आपके रगों में दौड़ता हो और ओटी के अंदर आप दुनिया की सारी चिंताएं परेशानियां भूल जाते हो, बस आपका एक ही मकसद होता हो एक इंसान की जान बचाना और उसकी फैमिली से ये कह पाना कि मरीज को होश आ गया है और उसकी जान अब खतरे से बाहर है, लेकिन साथ में मजबूत दिल रखकर ये कह पाना कि वी ट्राइड एवरीथिंग वी कुड बट वी कुड नॉट सेव द पेशेंट। क्या आप इतना बड़ा काम कर पाएंगे जब आप अभी से घबरा रहे हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया? क्या कभी एक डॉक्टर ये सोचता है कि क्या होगा अगर ऑपरेशन अच्छा नहीं गया, क्या होगा अगर वो मरीज की जान नहीं बचा पाया? नहीं दोस्तों, वो ऐसा नहीं सोचता है। उसे पता है उसे अपना 100% देना है ताकि मरीज की जान बच जाए। क्या आप में है वो हिम्मत कि खुद को आईने में देखो तो ये बोल पाओ कि हाँ, मैं ये एग्जाम किसी भी हालत में क्लियर कर लूंगा क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है। ये प्रतिज्ञा लो कि आप घबराओगे नहीं, ये प्रतिज्ञा लो कि आप अपना 100% दोगे, ये प्रतिज्ञा लो कि आप बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहोगे और जीत हासिल करके रहोगे।